तो यहाँ पर हमने चर्चा किए थे, धृतराष्ट्र महाराज जी ने संजय को पूछ रहे हैं और ये महाभारत युद्ध की 10वां दिवस था, वो संजय को जो है दिव्य दृष्टि दिया गया था, तो संजय को पूछ रहे हैं क्या हुआ बताओ। ये श्लोक से ही ऐसे पता चलता है कि ये जो है इससे पहले कुछ हो गया है युद्ध, क्या क्या हुआ बताओ, क्या हो रहा है वो नहीं पूछ रहे, क्या हुआ, किम अकुर्वत संजय, क्या किए इन्होंने, इन लोगों ने एकत्रित होके क्या किए। ठीक है, तो थोड़ा अनुवाद और तात्पर्य को हम पढ़ते हैं, श्लोक प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इस श्लोक को समझ जाएगा अच्छे से। धृतराष्ट्र हुआ तो यानी धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र, मैंने लास्ट टाइम बताया था जिस क्षेत्र में धर्म की खेती करने के लिए पूर्व महाराज जी ने क्या किए थे, धर्म की खेती किए, तो अपने सारे अंग को भगवान विष्णु को जो है दान दे रहे थे बीज के रूप में, फिर भगवान आशीर्वाद दिए थे कि ये यहाँ पर धर्म का फलित होगा और आगे जाके भगवान कृष्ण यहाँ पर आएंगे और ये धर्म क्षेत्र माना जाएगा, यहाँ पर जो भी कार्य किया जाएगा उसका धार्मिक धर्म का ही जीत होगी इस जगह पे, ऐसे भगवान का आशीर्वाद, इसलिए उस क्षेत्र का नाम है धर्म क्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र क्यों, क्योंकि ना कुरु महाराज ने धर्म का बीज बोया था, इसलिए कुरुक्षेत्र कुरु महाराज। समवेता, एक एक शब्द को मैं बोल रहा हूँ, समवेता यानी एकत्रित होके, है कि नहीं, एकत्रित समवेता, सब लोग समन्वित होके एकत्रित होके, कौन कौन आगे है, पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव युहुश्चव, उसके बाद शब्द क्या है युहुश्चव, युहुश्चव का अर्थ क्या है, युद्ध की इच्छा किए हुए, युद्ध करने की इच्छा से, उसको युहुश्चव कहते हैं। तो धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र नामक कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होके, ठीक है, पहले वाला लाइन में चार शब्द है और चार शब्द का अर्थ ऐसा है, धर्म क्षेत्र नामक कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर, उसके बाद वाला लाइन देखिए, मामका मेरे, मामका यानी मेरे, पांडवाश्चैव पांडवों ने, पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने, मेरे पुत्र मामका, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, की मकुर्वत संजय, है संजय क्या किए, क्या किया, ये तस्वीर, ठीक है। अनुवाद, धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्र ने क्या किया। तात्पर्य आप सबके पास भगवता है, भगवता है, ठीक है। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्व स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से, कोई कोई कहते हैं हम अकेले ही भगवत गीता समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, संभव नहीं है, कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, संस्कृत का स्कॉलर क्यों ना हो, वो भगवत गीता को स्वयं से नहीं समझ पाएगा जब तक वो गुरु की शरण, गुरु की तत्वावधान में प्रयास नहीं करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कोई भक्त की शरण में रह के, भक्त से सीख कर भगवत गीता को समझनी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए। और दूसरा क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, स्वार्थ रहित होकर, निस्वार्थ जिसको कहते हैं, है कि नहीं, स्वार्थ रहित व्याख्याएं, अलग अलग कमेंट्री है जिसमें स्वार्थ है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं स्वार्थ रहित व्याख्याओं से आप भगवद गीता को समझ सकते हैं। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में है ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो
तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। कितना सुंदर बात कहा गया है। यदि कोई गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य मिल जाता है, गुरु परंपरा से और दूसरा कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। बार बार ये शब्द आ रहा है, स्वार्थ रहित क्या अर्थ है, स्वार्थ रहित का अर्थ क्या है, भगवद गीता में से क्या स्वार्थ हो सकता है, भगवद गीता पढ़ने में क्या स्वार्थ हो सकता है, कौन बताएगा, भगवद गीता में क्या स्वार्थ होगा। हाँ जी विनोद प्रभु। प्रभु जी भगवद गीता में स्वार्थ के हिसाब से नहीं बताया गया, ये अपने निजी अपने काम वासना लोभ इतने स्वार्थ रहित हो कि आप अगर इसे करते हैं तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप भक्ति में आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विनीता माता जी स्वार्थ यही है कि हम ना कृष्ण के बारे में मतलब हम जानेंगे मतलब सुनेंगे जानेंगे उससे हमको मतलब अंदर से थोड़ा लगेगा ना, मतलब जानने के बाद थोड़ा सा अंदर से और करने की इच्छा होगी भक्ति की करने की प्रगति होगी भक्ति में। बहुत बढ़िया। हाँ स्वार्थ रहित यानी जैसे विनोद प्रभु और माता जी कहे कि अपने खुद की स्वार्थ, जैसे कि ज्ञानी बनने के लिए कोई भगवद गीता पढ़ते, मुझे 700 श्लोक याद हो गया, कोई भगवद गीता पढ़ते हैं बिजनेस करने के लिए, कथा करने के लिए, मैं भगवद गीता जान लाऊं मैं कथा करूंगा तो पैसा कमाऊंगा, कोई भगवद गीता पढ़ रहा है अच्छा पॉलिटिक्स करने के लिए, कोई भगवद गीता पढ़ रहा है अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, तो ये सब स्वार्थ है। मगर स्वार्थ रहित यानी आत्म कल्याण के लिए, मैंने उस क्लास में बताया था भगवद गीता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरे कल्याण के लिए, मैं स्वयं के कल्याण के लिए भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, ना कि प्रवचन देने के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए कि मुझे ये श्लोक आ गया है, ना मुझे ये ज्ञान आ गया है, इसके लिए नहीं, मेरे स्वयं के कल्याण के लिए। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है, आपकी जीवन में हर एक समस्या का समाधान भगवान ने भगवद गीता में दिए है, हर एक समस्या, हर एक मीन्स हर एक, आप कोई भी समस्या लो भगवद गीता में उसका उत्तर मिलेगा, हर एक चीज को भगवान ने वर्णन किए। तो इसके लिए गीता को पढ़ना कैसे चाहिए, मेरे कैसे कल्याण हो, मैं क्या सीख कर मेरे जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ भगवद गीता से प्रैक्टिकल, उसकी हिसाब से ठीक है। पाठक को भगवद गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसे बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है, प्रभुपाद जी बोल दिए। यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको कई शास्त्रों से ही बात, अलग अलग शास्त्रों का ही बात मिलेगी आपको, और ऐसे चीज मिलेंगे जो अन्यत्र कहीं आपको कोई ग्रंथ में प्राप्त नहीं होगी, यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, ये विशेषता है भगवद गीता का। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। भगवद गीता को कौन उच्चारण किए, कौन बोले, स्वयं भगवान ने बोले हैं, इसलिए पूर्ण आस्तिक है, इसमें थोड़ा भी नास्तिकता नहीं है, ऐसे कहते हैं श्लोक। हिंदी किसको अच्छा पढ़ना आता है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। ये वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े।
उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्माएं थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु का और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र महाराज को भय था कि कहीं मेरे पुत्रों ने पांडवों के पुत्र के साथ मिलकर समझौता ना कर दे। क्यों? क्योंकि ना पांडवों के पुत्र धार्मिक है, वो लोग बचपन से धार्मिक है, और मेरे पुत्र धृतराष्ट्र को पता है उनके पुत्र बदमाश है एक नंबर के। ये धृतराष्ट्र को पता था ये लोग बदमाश है, वो लोग धार्मिक है, वो है 5, ये है 100, मगर उनको ये भी इतना विश्वास था ये 5 मेरे 100 पुत्रों को चेंज कर सकते हैं, इनके संग में आएंगे ना 100 के 100 चेंज हो जाएंगे, इतना विश्वास था। और यही प्रभाव है, एक अच्छा संगति हजारों बुरे संगति बुरे व्यक्तियों को अच्छा बना सकता है। एक अच्छा संगति अच्छा व्यक्ति हजारों बुरे व्यक्तियों को सुधार सकता है। और भय क्यों था? क्योंकि ना कौन सी जगह पे ये लोग गए हुए हैं, जगह भी कौन सा था, धर्म क्षेत्र था, इसलिए इनको डर था। चलो अगर ये लोग कोई पब में जाते क्लब में जाते तो भी थोड़ा सा ये था, क्योंकि ना वो अधार्मिक क्षेत्र तो मेरे पुत्र ही उन लोग को खींच लेंगे, मगर धार्मिक क्षेत्र तो वो लोग हमारे पुत्रों को शायद समझौता में ये करेंगे, तो इसलिए मैंने बताया था कि स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, कौन से स्थान में है। आप विक्रमादित्य महाराज के बारे में सब जानते हैं, सुने आपने विक्रमादित्य? विक्रमादित्य महाराज जी एक जगह था, एक हल जोतने वाला खेती कृषक, उसने फसल उगाया था और उसको बाढ़ बांधा था। और आपको पता है कि एक खेत के बीचों बीच कहीं पर ऐसे ना एक ऊंचाई बनाते हैं, वहां पर बैठ के देखते हैं कोई पशु ना आ जाए, कोई ये नहीं आ जाए, वो लोग जाके पहरेदार देते हैं यानी देखने। तो उसने भी एक बांस बांधकर ऊपर एक बैठने का ऐसे बना दिया था, तो बीच बीच में ऊपर बैठ के देखता था कोई पशु नहीं आके मेरे खेत को खा ले। उसके खेत में सब सब्जियां फल वगैरह सब उगाया था। तो क्या होता, कोई अगर पशु पक्षी आता तो जब नीचे होता तो उसको पत्थर मार के डंडे मार के भगा देता था, और जब ऊपर उसके ऊपर जाता तो उसके मन में दया आ जाता, अरे 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 वो क्यों जा रहा है, पशु आके खा क्यों नहीं रहा है। तो फिर उतर कर वो सोचता कि जाके मैं कुछ खिला के आता हूँ पशु का, मान लो कोई गधा है कुत्ता है कोई भी आ गया जो भी है, कोई गाय है, तो उतर के जब देने जाता फिर उसके मन में आता मैं क्यों दूं, ये तो मेरा है, ये खेती में क्यों, ऐसे सोचता। तो ऐसे चलता था। एक बार क्या हुआ, राजा उसकी कुछ सेना वहां से गुजर रही थी, तो उसने उसके ऊपर से देखा राजा आ रहे हैं, तो उसने विचार किया कि राजा को जाके मैं मिल के आता हूँ। तो राजा के पास गए तो राजा और उनकी सेनाओं को बहुत भूख लगा था, ये शास्त्र में कथा था पुराण, राजा और उनकी जो सेना थे उनको बहुत भूख लगा था। तो वो लोग बोले कि यहाँ पर अच्छा अच्छा काकड़ी हुई है, काकड़ी बोलता पता है ना आप लोग, खीरा बोलते हैं, खीरा भी लगा हुआ था और भी कुछ ऐसा चीजें फल वगैरह, तो सोचे कि कुछ यहाँ से खा के हम। तो उनको जब ऊपर बैठे थे उनको पूछे भी
हम लोग कुछ खीरा वगैरह खा ले, भूख लगाए, बोले हाँ हाँ महाराज जितना थे उतना खाओ, कोई टेंशन नहीं। तो ये लोग जब तोड़ने के नीचे उतरा, थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ करके, जैसे नीचे उतरा वैसे डांटना शुरू किया, महाराज आपको थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं है, ये क्या कर रहे हो, दूसरे की फसल को ऐसे थोड़ी तोड़ना चाहिए, निर्दयी हो आप, बहुत डांटने लगे। तो राजा बोले ये क्या व्यवहार है, अभी तो बोला कि खाओ जितना चाहिए, अभी बोल रहा है कि ये क्या। तो राजा रुक गए, फिर तोड़े रहे। तो राजा और उनकी सेना जाने लगे, तो इसने वापस जब ऊपर चढ़ा बैठा तो उसकी मतलब महाराज क्या हो गया, आपको खाने का था ना, क्यों चले जा रहे, खाइए ना हमारे फसल को। तो राजा बोला कि अभी तो भगा रहा था, गाली दे रहा था, अभी वापस बोल रहा खाने के लिए। तो राजा और सेना वगैरह वापस आ, वापस आके जैसे वो खीरा वगैरह तोड़ रहे थे, इसने नीचे उतरा, थोड़ा हेल्प कर दूं करके नीचे उतरते वापस डांटना शुरू कर दिया, क्या कर रहे हो आप लोग, दिमाग खराब है आप लोग का, मेरा पूरा खेती को आप। तब राजा को डाउट हुआ ऐसे क्यों हो रहा है, जब ऊपर चढ़ता है तो बहुत अच्छे से बात करता है, जैसे नीचे उतरता है वैसे गड़बड़ बात करता है। तो राजा ने उनकी सेनाओं को बोले कि इस जगह का कुछ प्रभाव है, खोदो यहाँ पर, कुछ तो प्रभाव। तो जहां पर बैठता था ना वो नीचे को खोदा राजा ने, खोदने के बाद वहां पर ना विक्रमादित्य महाराज जी का मुकुट मिला, सोने का मुकुट वो उस जमीन के नीचे था। तो देखो क्या प्रभाव था, विक्रमादित्य महाराज जी का मुकुट का इतना प्रभाव है उस स्थान, वो इसका मुकुट नीचे था इसलिए ऊपर वो स्थान इतना प्रभावशाली था। वहां जब बैठता था उसको मन में सब धार्मिक चिंतन आता था, अच्छा विचार आता था, जैसे नीचे उतरता था वैसे ही क्रूर बन जाता था। तो इसलिए स्थान का बहुत प्रभाव। आप वृंदावन में जाओ आपका स्वतः हो आपके मन में आएगा मैं जप करूं, मैं यहाँ पर कथा सुनूं, मैं यहाँ पर तपस्या करूं। आप वृंदावन में जाओ आप यहाँ पर 1 किलोमीटर नहीं चल पाओगे, आप वृंदावन में जाओगे 22 किलोमीटर आप गोवर्धन परिक्रमा कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्थान का प्रभाव है जी, स्थान का प्रभाव। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था धर्म क्षेत्र, इसके लिए धृतराष्ट्र महाराज को भय था कि धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र जाके बिगड़ ना जाए। उसके हिसाब से बिगड़ना मीन्स ये लोग समझौता ना कर दे। हम लोग भी सोचते हैं ना हरे कृष्ण मंदिर में जाने के लिए बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाता है अर्थ कि हरे कृष्ण शुरू कर देगा तो बिगड़ गया बच्चा। तो वैसे उसका भी मन में था कि ये बिगड़ ना जाए, भय था। और इस मैंने बताया था इस श्लोक से महाभारत युद्ध में कौन जीतेगा वो पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास। पहला ये धर्म क्षेत्र है तो विजय किसका होगा, धार्मिक लोगों का ही होगा। इसमें धार्मिक कौन है, पांडवों कौरवों में के पांडव लोग धार्मिक है, इसलिए पांडवों का विजय निश्चित है, क्योंकि ना ये धर्म क्षेत्र है। और क्यों पांडवों का विजय होगा, विजय सूचक और क्या है, दूसरा भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के और है, जहां कृष्ण है। आप भगवद गीता के अंतिम श्लोक निकालिए, एकदम लास्ट श्लोक 18वां अध्याय का लास्ट वाला श्लोक, निकाला आपने 78 नंबर श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मितिर ममति मम। संजय ये लास्ट में सार बता रहे हैं भगवद गीता का सार, क्या कह रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण जहां पर कृष्ण है, और यत्र पार्थ धनुर्धर जहां अर्जुन जैसे भक्त है, तत्र वहां पर क्या क्या है, श्री श्री यानी ऐश्वर्य, विजय विजय जीत, भूति विलक्षण शक्ति, और ध्रुवा नीति वहां पर अच्छा नीति, ये सब वहां पर काम करता है। ये मेरा मत है। संजय ना अपना मत देते हैं अंत में, भगवद गीता का सार है आप लोग के लिए, होमवर्क है, भगवद गीता का लास्ट श्लोक याद करके आना। आ गया पहला, हो गया लास्ट, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। तो इसको याद करते, तो यहाँ पर कृष्ण स्वयं है, और संजय के हिसाब से देखा जाए अर्जुन भी है, अर्जुन जैसा भक्त, यानी यहाँ पर कितने भक्त थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, दत्त, और एक बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर थे, इसके लिए इनका ही जीत होने वाला है, इसके लिए इनका ही जीत होने वाला है। ये सब सूचक है,
महाभारत युद्ध में जीतने का सूचक है। और इस श्लोक से मामका इस सब से धृतराष्ट्र ये अलग कर दिए, पांडव और कौरवों को अलग कर दिए। इससे लगा, इससे पता चलता है कि ईर्ष्या कितना था पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र, पता चल रहा है ना ईर्ष्या कितना था। अपना पराया होता है, अपना पराया, तो जब पराया कहते हैं मीन्स उनके प्रति उनका उतना भाव नहीं है। तो मामका पांडवा अलग कर दिए और देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ देख लीजिए। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक वंश में संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों को पांडव पांडु पुत्र करके वंश में अतिरिक्त विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। एक ही परिवार थे ये लोग, फिर भी धृतराष्ट्र महाराज ने अलग करके बोल रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर क्या होगा महाभारत युद्ध में निर्णय क्या होगा, जिस प्रकार कोई खेत में अवांछित पौधों को निकाल दिया जाता है, अवांछित पौधा यानी घास फूस को निकाल देते हैं, वैसे महाभारत युद्ध में क्या होने वाला है, अभी जो अधार्मिक पौधे हैं अधार्मिक लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर क्या होगा, सब लोगों का विनाश होगा। तो इसके लिए महाभारत युद्ध अनिवार्य था भगवान के लिए, तो भगवान ने प्लान करके महाभारत युद्ध का प्लान रचाया है। तो यस, यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देने के लायक है। पहला वाला श्लोक में पहला ये है कि पक्षपात कर रहे थे धृतराष्ट्र। दूसरा ये है कि धृतराष्ट्र को शंका था कि हमारा जीत होगी क्या, बड़ा शंका था। तीसरा डर था, एक तो शंका था दूसरा डर था, और तीसरा क्या था, पांडवों का विजय का निश्चयता उनको मन में, वो क्या बोलते हैं, आशंका थी। पांडव लोगों का विजय का आशंका था, क्योंकि ना उनको पता था भगवान कृष्ण उस पक्ष में है, कोई हो ना हो कृष्ण वहां पर खड़े हैं तो 100% इनका जीत हो भगवान वहां पर। अर्जुन क्यों कृष्ण को मांग लिए, कृष्ण आप मेरे साथ में रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्यों, उनको पता था कृष्ण सिर्फ रहेंगे तो हमारा विजय हो। तो हर एक भक्त को ये निर्णय लेने चाहिए, जीवन में कृष्ण को रखनी है या माया को रखनी है, किसको अपनानी है। जो कृष्ण को अपनाता है उसका जीवन में हर स्थिति में वो विजयी होगा, हर स्थिति में उसका विजय होगा। अगर वो कृष्ण को निकाल देता है, कृष्ण के निकाल देने के बाद और क्या बच जाता है, माया बच जाती है, तो क्या होगा, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। तो इसके लिए भक्तों को ये निर्णय लेने जाएंगे, कृष्ण को हम कह रहे हैं सिंसियर भक्त। सिंसियर भक्त का क्या मापदंड है, आप कैसे पता चलेगा कौन सिंसियर है, सिंसियर समझ में आ रहा है, गंभीर, क्या मापदंड है एक सिंसियर भक्त है करके, क्या मापदंड, ये बहुत सिंसियर भक्त है, मापदंड क्या है, कि अच्छे से वो कपड़ा पहना है धोती कुर्ता, इसके लिए सिंसियर है, या वो मर्सिडीज गाड़ी में आ रहा है मंदिर में इसलिए सिंसियर है, या ये माता जी बहुत अच्छा साड़ी पहनी है बहुत अच्छा सजी धजी है इसके लिए सिंसियर है ये माता जी, क्या क्या मापदंड क्या है, हाँ मैं माता जी क्या मापदंड है, एक सिंसियरिटी का मापदंड क्या है, प्रभु जी शरणागति, कितनी शरणागति है उसकी, कितनी शरणागति है, ओके तो शरणागति कितनी है ये कैसे पता चलेगा, आपने बोला शरणागति से आप देखने से पता चलेगा वो कितना शरणागत है, हाँ जी कोई थर्मामीटर है ये मापने के लिए शरणागति कितना है, वो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है कि जितना शरणागत है उतना सिंसियर है, मगर कैसे पता चलेगा कि वो शरणागत है कि नहीं, भक्ति भाव माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, वो मैंने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर में सुना था
वो बोल रहे थे कि अगर एकादा भक्त भक्त के नए मंदिर में आता है तो वो किसी की साधना नहीं देखता, तो उसका व्यवहार से पता चल जाता है कि वो भगवान के प्रति कितना शरणागत है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, जैसे अभी माता जी बताए एक चीज। हाँ नया माता जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक लाइन आपने वो भी बोली थी ना कि भक्ति मनोस्थिति या उसपे मनोवृत्ति, हमारे कृष्ण भावना मृत में प्रगति हम भक्त साधक का मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यस, भक्ति में सिंसियरिटी का मापदंड क्या है ये सबको याद रखनी चाहिए। हम सिंसियर हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा, या कोई सिंसियर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तीन चीज है, साधना, सदाचार, सेवा। साधना, सदाचार, सेवा, ये तीन चीज से वो कितना शरणागत, वो कितना सिंसियर है वो पता चल जाएगा। उसमें से एक चीज हमारे भक्ति भाव, भाव भक्ति माता जी, भक्ति भाव माता जी बताए क्या है, सदाचार, उनका व्यवहार। व्यवहार से आप पता चल, मान लो अच्छा साधना कर रहा है, व्यवहार एकदम थर्ड क्लास, मतलब अच्छा व्यवहार कर रहा है, साधना में कोई दम नहीं। अच्छा साधना कर रहा है, व्यवहार अच्छा है, सेवा नहीं कर रहा है कृष्ण का, कोई भक्तों का सेवा कृष्ण का। तीनों होना जरूरी है, साधना में सुंदर रुचि, नियमित रूप से साधना, नियमित रूप से साधना, व्यवहार, कौन सा व्यवहार, वैष्णव सदाचार। मैंने सदाचार बताया, सदाचरण, वैष्णव सदाचार। तीसरा सेवा, कृष्ण और उनकी भक्तों का सेवा। ये तीन चीज में जितना व्यक्ति का रुचि बढ़ रही है वो उतना सिंसियर है, उतना सिंसियर है, ये मापदंड है। तो सब अपना अपना माप, अपना अपना भक्ति का सिंसियरिटी को माप सकते हैं। हमारे नाम के प्रति साधना, हमारे साधना के प्रति, साधना में खास करके हमारा नाम जप, नाम कीर्तन, अध्ययन, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी साधना में जाता है एक प्रकार से, कितना हम अध्ययन करते हैं गीता भागवत, श्रवण भी साधना में जाता है, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीनों साधना है हमारा। साधना में क्या क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीनों साधना है। हम जो श्रवण किए हैं वो कितना स्मरण कर रहे हैं, ये साधना है। सदाचार, वैष्णव सदाचार, बहुत विस्तृत टॉपिक है, वैष्णव सदाचार कैसे होनी चाहिए, कैसे बैठनी चाहिए वैष्णव को, कैसे खड़े होनी चाहिए, क्या पहननी चाहिए, क्या खानी चाहिए, कैसे देखनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, कहाँ नहीं जानी, सारा वैष्णव सदाचार वैष्णवों के लिए बताए। और सेवा, भगवान और उनके भक्तों का सेवा, कितना कितना रुचि है सेवा। ये तीन चीज से हम समझ सकते कौन सिंसियरिटी, हम सिंसियरिटी का टैग सबको ऐसे लगा नहीं सकते, आप सिंसियर, हम सिंसियर, आपको सिर्फ ये देख के पता चल जाएगा कि कितना सिंसियर है, तो उसका साधना में कितना वो रुचि दिखा रहा है, कितना सुबह उठ के साधना कर रहे हैं। कई सारे भक्त, दो दिन हम जूम में साधना बंद कर दिए तो कई भक्तों का मैसेज और फोन आ रहा था कि प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा है, आदत पड़ गई है सुबह जप करने का, तो आप जप कब शुरू कर रहे हैं? ये इसको कहते हैं सिंसियरिटी, अच्छा नहीं लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा, और 5-10 दिन आप बंद ही रखो तो थोड़ा हम आराम कर ले, 4 महीने से ही तो जप कर ही रहे हैं, सिंसियरिटी नहीं, साधना है। सेवा, क्या सेवा करूं, एक तरफ तो सेवा देने के बाद भी नहीं करते हैं, और एक है मांग के सेवा कर रहे हैं, तो कौन मांग के सेवा करता है उससे पता चलेगा सिंसियरिटी, स्वयं से आके ये मेरा है करके, कृष्ण का सेवा, भक्त का सेवा क्या है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा जिम्मेदारी है, उससे पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या टाइम है, 7 बज गया, ठीक है। तो यस, तो पहले वाला श्लोक में
बहुत गुह्य है, आप तात्पर्य को और एक बार पढ़िए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तात्पर्य को कैसे पढ़नी चाहिए, एक एक लाइन को मनन करके पढ़िए, इसमें क्या ऐसे प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान की गीता के श्लोक से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। आप बोलिए क्यों? क्यों? प्रभुपाद जी का तात्पर्य के ही श्लोकों का एक निचोड़ नहीं है, सारे श्लोकों का मिलावटी तात्पर्य है। मिलाकर प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते थे, भागवत अलग अलग शास्त्रों को सामने रखते थे और अलग अलग आचार्यों को कमेंट्री को सामने रखते थे, फिर कमेंट्री करते थे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण, एक एक लाइन को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, उसको आपको उनके एक एक लाइन में आपके जीवन में कहीं समस्याओं का हल निकल जाएगा प्रभुपाद जी की तात्पर्य से। कितने भक्त आप में से जो नियमित श्री प्रभुपाद जी की ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, कितने भक्त है रोजाना अध्ययन करते, कोई ना कोई प्रभुपाद जी का ग्रंथ, कोई ऐसा नहीं कि मैं भगवद गीता के लिए पूछ रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ आप प्रभुपाद जी का रोजाना, ऐसा कोई नियम बनाए? काफी सारे भक्त नियम बनाए, यस। जो भक्त नियम नहीं बनाए हैं, भक्तों को निवेदन है कोई भी ग्रंथ प्रभुपाद जी का आप नियमित पढ़िए, नियमित पढ़िए। भले आप 15 मिनट पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट 15 मिनट भी पढ़िए, तो भी आपको मैं बताऊं प्रभुपाद जी की किताबों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, आपके आध्यात्मिक प्रगति बहुत क्या होगा, बूस्टअप हो जाएगा प्रभुपाद जी का किताब अगर पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है किताबों को रचना करने। तो ये श्लोक का तात्पर्य आप वापस पढ़िएगा प्लीज, और भूमिका जो भक्त नहीं पढ़े हैं उनको निवेदन है आप भूमिका को वापस पढ़ लीजिए, अच्छे से अध्ययन करिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक 108 किन किन के पास है? 108 भगवद गीता का इम्पोर्टेंट श्लोक, ओके, जिनके पास नहीं है मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज, तो आप वो इम्पोर्टेंट श्लोक को उच्चारण कर सकते हैं, तो हम कल नेक्स्ट श्लोक उच्चारण करेंगे। ये श्लोक में कुछ भी शंका होगी तो आप आज तात्पर्य पढ़ेंगे तो 100% आपके मन में कोई ना कोई शंका आएगी, तो आप कल पूछिएगा, अभी कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत।